Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब fine होंगे. Standard 5th, subject Hindi. Welcome to James International School, student. To student, open your textbook. Chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 में स्टूडेंट कविता थी सीखो. ओके, तो मैंने आपको CW में आपको हेडिंग बनाने के लिए बोला था, डे टू डे मेंशन करने के लिए बोला था, कवि का नाम लिखना था आपको. ओके, उसके बाद मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे दोनों मैंने आपको होमवर्क में दिए थे CW में लिखने के लिए. तो आई होप स्टूडेंट कि आप सबने CW में कंप्लीट होमवर्क किया होगा. तो आज हम पहले स्वाध्याय करवाते हैं. तो स्वाध्याय टिक कर लीजिए, आपका होमवर्क है आज का. तो आपका होमवर्क क्या है कि स्वाध्याय में पेज नंबर 73. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के सही जोड़े मिलाइए, ये आपको लिखना है. फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपको लिखने हैं. और क्वेश्चन नंबर 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए, ये लिखना है. पीछे वाला स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 भी लिखना है. ओके, क्वेश्चन 4 लिखना है, क्वेश्चन 5 ओमिट. तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि आपको स्वाध्याय में होमवर्क में क्या क्या करना है. तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आपको CW में स्वाध्याय लिखना है. ओके, ये है आज का आपका होमवर्क. तो ओपन योर वर्कबुक स्टूडेंट. तो आप वर्कबुक ओपन कीजिए. स्टैंडर्ड 5th वर्कबुक ओपन कीजिए. वर्कबुक में चैप्टर नंबर 10 कविता सीखो. ओके, तो आप मेरे साथ लिखिए स्टूडेंट के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है तो फूल. विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देती है. जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है. कौन देता है? सूरज. स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है. हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है. हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो. दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो. लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ. 4 नंबर, जलधारा कहती है कि जीवन पंथ में आगे बढ़ते रहो. 5 नंबर, दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो. पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो. तो स्टूडेंट अभी आप लिख सकते हो. ओके, अगर वीडियो में नहीं लिख पाते हो तो उसके बाद में आपको वीडियो के बाद आपको व्हाट्सएप पर पिक्चर्स खींच के आपको भेजूंगी क्लिक करके, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा. ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में. अब क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए. तो आपको मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं. ओके, तो आपको ये नंबर डालने नहीं हैं, आपको यहाँ से आंसर ढूंढ कर लिखना है. जैसे कि फूल, दूसरी नंबर में क्या है? हंसते रहना. तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है कि हंसते रहना. मेरी तरह आपको नंबर नहीं डालने हैं. जलधारा, तो 5 नंबर क्या आएगा? जीवन पथ में आगे बढ़ना. मछली में 1 नंबर है, तो क्या है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. पृथ्वी, तो 6 नंबर प्राणी की सेवा करना. धुआ, तो 4 नंबर हरदम उन्नति करना. अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए.
हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? तो भंवरा। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? दीपक। हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किसे मिलती है? धुआं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो पानी, तो पानी का क्या होगा? जल, नीर। फूल, तो पुष्प। सूरज, तो रवि, भानु। पृथ्वी, तो धरा, अवनी। भवरा, तो मधुकर, भवरा। वायु, तो हवा, पवन। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फूलों से नित हंसना सीखो, खाली जगह से नित गाना। भौरों से सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है कि लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो आंसर लिखिए कि सबको गले लगाना चाहिए। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? तो सूरज की किरणों से हम जगना और जगाना सीखते हैं। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो धुएं से हमें हरदम ऊंचे ही बढ़ना चाहिए, यह सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों को शब्द के कोष के क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट है अंधेरा, कोमल, जीवन, नीत, प्राणी, शीश। फिर सेकंड में है आग, आदमी, कौवा, तोता, पिता, क्षमा। टर्न योर पेज, पेज नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना, तो विनम्र होना। वाक्य बनाना है हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दो नंबर है कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। तो वाक्य बनाना है फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। गले लगाना, तो प्रेम करना। गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज धरना, तो धैर्य रखना। हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। ऊंचे चढ़ना, तो उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो हमें सुख दुख में भी खुश रहना चाहिए। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो कि प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए, तो ऊंचाई पर चढ़ना। हमें सबके सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, तो मिलना और मिलाना। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, सीख और प्रवृत्ति के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। फिर से हमने आगे जोड़े मिलाइए, वैसे यहाँ पे भी जोड़े मिलाने हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि नंबर नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ से आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, कोमल भाव बहाना, तो क्या आएगा यहाँ पे? हवा।
जगना और जगाना तो क्या आएगा, सूरज की किरणें। सबको गले लगाना तो यहाँ पे आएगा लता और पेड़। अंधेरा हरना तो आएगा दीपक। मिलना और मिलाना तो आएगा दूध और पानी। गाते रहना तो भौरा। दुख में धीरज धरना तो पतझड़ के पेड़। पेज नंबर 79 पर स्टूडेंट देख सकते हो, आपको ये रेखा के शब्द पर स्वभाव स्वर भार देखकर पढ़िए, तो आपको ये रीडिंग करना है। ओके, उसके बाद काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 18। दो नंबर है क्वेश्चन कि कविता से संज्ञा विशेषणों क्रिया के तीन तीन शब्द चुनकर कोष्टक में लिखे। तो संज्ञा क्या है, सूरज, दूध, मछली। विशेषण क्या है, सच्चा, कोमल, ऊंचा। क्रिया क्या है कि गाना, जागना, बढ़ना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब हमारी क्रिया है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 और 4 करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से वर्कबुक में लिखेंगे, और मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से होमवर्क दे दिया है। फिर से एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, कि आपको टेक्स्ट बुक में से स्वाध्याय क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आपको आपकी CW में होमवर्क करना है। ओके, डन स्टूडेंट, अंडरस्टूड। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और आपने वर्कबुक में भी लिखना है। तो आप चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू।